अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चाना भगवान, आपने तो मुझे यही मिलने के लिए निश्चित किया था ना। जय सियाराम। हाँ, ध्यान रहे, महीने भर के अंदर अगर कोई सूचना ना मिली तो मैं रुद्र अवतार शीघ्र ही होने वाला है। क्या हुआ वत्स रावण, इतने उद्विग्न क्यों हो? सुग्रीव, इनसे मित्रता कर लीजिए। आशा है प्रभु हमारी मित्रता शुभ फलदायक होगी। अवश्य वानर राज, अवश्य। का काम भूल कर राग रंग में डूबा है, क्या बाली की तरह तेरी भी दशा करनी होगी? मैं गर्जूंगा, मैं पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं, मैं इस खारी जल की धारा को लागू या अभी ले जाऊं। कष्ट का अनुभव करना कम करो, क्योंकि तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है और इसमें सहायक होगा मेरा यही 11वां अवतार हनुमान। निकट न झाके अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके प्रभु सदा सहाय। इनसे मित्रता कर लीजिए। आशा है प्रभु हमारी मित्रता शुभ फलदायक होगी। अवश्य वानर राज, अवश्य। प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज। अब बारी थी सुग्रीव की अपना वचन निभाने की। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश उठाए हैं, इंद्र वरुण चंद्र कुबेर मेरे बाणों से चर्राए हैं, मुझसा ज्ञानी महाराज।
गुरुवर, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, देता है किसी को भी लपेट कर पटक देता है। हनुमान नाम का ये वानर कौन है मुझे बताइए, मुझे बताइए प्रभु, ये हनुमान कौन है? हनुमान किया 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और इसी का उत्सव हम लोग कई दिनों से मना रहे हैं। उसी की कड़ी में सरकार की तरफ से रामलीला का मंचन हो रहा है, संस्कृति विभाग की तरफ से आज इसका हमने शुभारंभ किया। अगले दो दिन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रोज 2 घंटे का मंचन रहेगा। सभी से आग्रह है देवास में कि आप पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। कितने लोगों की टीम होगी जो कम रामलीला कर रही है? ये 35 लोग हैं जो रामलीला कर रहे हैं। राजे, पूरे शहर में एक उत्साह भरा माहौल है, हर जगह भगवान का दिख रहा है। अयोध्या 22 तारीख को जिस तरह कार्यक्रम होना, उस तरह देवास में भी एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। पूरे देवास में, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 500 साल से जिस पल का इंतजार था हमारे देश में, उस पल को हम 22 तारीख को एहसास करने के लिए जा रहे हैं और श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के उस दिन को हम लोग सभी से हृदय से मना भी रहे हैं और उसका उत्साह मना रहे हैं। सर, आज रामचरित लीला का कार्यक्रम आयोजित किया, कितने दिवसीय कार्यक्रम में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसा कि हम जानते हैं 22 तारीख को अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है। उसी के तारतम्य में जगह जगह पर श्री राम के संबंधित कल्चर को प्रमोट करने के लिए, जनता में आध्यात्म की भावना को और विकसित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि देवास ज़िले में भी इस प्रकार की रामलीला का मंचन हो रहा है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज उसका पहला पाठ हनुमान जी का उसका वर्णन था। इस प्रकार से कल और परसों 2 दिन और रामलीला का मंचन किया जाएगा। सभी देवास के सम्मानीय नागरिकों से निवेदन है कि भारी संख्या में यहाँ पधारें, बहुत ही उच्च कोटि की परफॉर्मेंस यहाँ पर की जा रही है। सर, कितनी टीमें सर इसमें लगी हुई है, कहाँ से आए हैं? बाहर से ये संस्कृति विभाग भोपाल से हमारी पूरी टीम आई है। देवास में ही उनकी रुकने की व्यवस्था की गई है। लगभग 50 के आसपास आर्टिस्ट आए हैं और यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं।